In this part, industrialization in India, we will cover the colonial policies, and their effect on Indian people. As we have discussed, the effect of industrialization on the European workers. Similarly, we will discuss in this part about India. India and colonial rule or coming of East Indian Company's policies. Okay. First of all, you have to write down data. In 1850 कॉटन पीस गुड्स यानी कि कॉटन जो थी टेक्सटाइल हमारी कंट्री में कितने परसेंट टेक्सटाइल मंगवाई जा रही थी 31%. कौन सी? ब्रिटिश टेक्सटाइल. यानी कि इंडिया जो था 31% इंपोर्ट कर रहा था. कौन से ईयर में? 1850. बट मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री में आने के बाद और ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में मिल्स खुलने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है उसको डिस्करेज किया जाए और ब्रिटिश मिल जो है उनको एनकरेज किया जाए. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर उसको कॉस्टली कर दिया ताकि वो कॉस्टली हो जाए, और ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल है उसको इंडिया में उसके ऊपर ड्यूटीज कम कर दी ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल जो है वो उसका रेट कम हो और इंडिया में जो लोग हैं वो इंडियन टेक्सटाइल नहीं बल्कि ब्रिटिश टेक्सटाइल को खरीदे या ब्रिटिश मिल्स का जो था टेक्सटाइल उसको खरीदे. तो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट परसेंटेज बढ़ेगी. ठीक है, तो नोट डाउन 1870 के नियर अबाउट ये जो परसेंटेज थी वो कितनी हो गई, 50%. यानी कि अब हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होने लग गया. किसका? ब्रिटिश टेक्सटाइल या ब्रिटिश मिल्स का जो कॉटन टेक्सटाइल था. ठीक है, इसी से ही पता लगता है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का हमारे इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. नंबर वन, एक रीजन क्या था, ब्रिटिश टेक्सटाइल जो था उसका इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई थी, उसका रेट कम कर दिया गया. एंड सेकेंड थिंग क्या की गई बेटा, सेकेंड थिंग हमारी कंट्री में वेस्टर्न जो यूथ थे वो वेस्टर्न टेक्सटाइल यानी कि ब्रिटिश मिल्स उनको इमिटेट कर रहे थे. दे वर इमिटेटिंग देयर कॉलोनियल मास्टर्स. जो यूथ थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरह ड्रेसअप होना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई दे प्रेफर्ड देयर टेक्सटाइल उनको इम्प्रेस करने के लिए. सो दिस वॉज अ रीजन एट दैट टाइम वी कैन से दैट इन इंडिया इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इन इंडिया 31% से 50% इंक्रीज हो गए. तो ये भी एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट था. ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे आप नोट करोगे, एक तरफ तो ये टेक्सटाइल जो है इसकी परसेंटेज बढ़ रही थी, दूसरी तरफ रॉ कॉटन. अब ये देखना है हमने कि पहले इंडिया जो था वो कॉटन टेक्सटाइल सप्लाई कर रहा था, रेडीमेड क्लोथ सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इंडिया के टेक्सटाइल की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होने से अर्लियर इंडिया वॉज गिविंग ओनली 5% रॉ कॉटन टू द यूरोपियन मार्केट्स, बट इट इंक्रीज 35% फ्रॉम 1850 टू 1870. अब आप खुद सोचो कि पहले इंडिया सिर्फ रॉ कॉटन सप्लाई कर रहा था, सारी रॉ कॉटन इंडिया में यूज हो रही थी, लेकिन अब इंडियन टेक्सटाइल को डिस्करेज कर दिया गया और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का टेक्सटाइल नहीं बल्कि इंडिया का रॉ कॉटन चाहिए था क्योंकि हमारी कंट्री की रॉ कॉटन की जो क्वालिटी थी दैट वॉज वेरी गुड एंड ये प्रेफर की जा रही थी ब्रिटिश मिल्स में. यानी कि अब हमारी जो कंट्री थी वो एक मार्केट बन के रह गई रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, ना कि फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, अब इसके बाद एक और पर्टिकुलर टाइम पीरियड आया जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई. तो ये भी आपने रेफरेंस देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकन सिविल वॉर आपको पता होनी चाहिए. सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब कंट्री के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अमेरिका से जो सप्लाई ब्रिटेन को जाती थी ना कॉटन की, रॉ कॉटन, वो स्टॉप हो गई. इसको ऐसे याद रखो, बिफोर अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका सप्लाइड रॉ कॉटन टू ब्रिटेन,
बट ड्यू टू अमेरिकन सिविल वॉर सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन स्टॉप सो दैट दैट वॉज द रीजन वाई ब्रिटेन टर्न टू इंडिया फॉर रॉ कॉटन. ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर ड्यू टू अमेरिकन सिविल वॉर सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन स्टॉप इन ब्रिटेन एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन दैट टर्न टू इंडिया फॉर गेटिंग रॉ कॉटन. क्लियर. ये इसके बाद बच्चे ये तो थोड़ा मैंने आपको सिस्टम समझाया कि टेक्सटाइल और रॉ कॉटन के बीच में किस तरह से परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपको अंदाजा लग गया होगा कि उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था यानी कि हमारी कंट्री में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 34 की. हमने कंजेक्टिव टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 300 ईयर्स की स्टोरी. अब जब बच्चे यहाँ से रॉ कॉटन हमारी कंट्री से यूरोपियन कंट्रीज में जाती थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, शिपमेंट्स यानी कि शिप में जब रॉ कॉटन भेजी जाती या फिर यूरोपियन कंट्री से हमारी कंट्री में टेक्सटाइल के शिप जो है वो आते थे, पोर्ट जो एरियाज होते थे, डॉकयार्ड एरियाज होते थे, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग जैसे बॉम्बे कैलकाटा यहाँ पे सप्लाई का काम होता है. अब धीरे धीरे ना कई बार क्या होता है, शिप जो है वो उस पर अटैक भी हो सकता है, दूसरी कंट्रीज अटैक कर सकती हैं उस पर, तो ये भी एक बिजनेस के लिए लॉस है. तो धीरे धीरे कई बार क्या होगा, ब्रिटेन की कंपनीज को लॉस जो है लॉस बढ़ने शुरू हो गए. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए रिसर्च जो है वो रिसर्च किया कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो इंडिया के गवर्नर जनरल उस टाइम पीरियड में जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये बताया, एक तो शिपमेंट जो है, शिप जो है फॉरेन कंट्रीज अटैक करती है, कई बार तो पूरा का पूरा शिप ही डूब जाता अटैक हो जाता. दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, यूरोप से शिप कब इंडिया आएगा, कब कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पहुंचेगा और उसकी क्वालिटी और कितने दिन वेट करना पड़ेगा. फिर इंडिया से रॉ कॉटन के शिप जो हैं वो इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज आएंगे, उसके रास्ते में जो है वो डर होता है कि कहीं फॉरेन कंट्रीज अटैक ना कर दी. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उस टाइम पीरियड में कंपनीज को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी जो ब्रिटिश मिल्स थे, यानी कि जिन मिल्स ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को डिस्करेज करो और हमारा जो टेक्सटाइल है उसको इंडिया में प्रमोट करो. फिर एक और टाइम आया जिस टाइम पर में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, व्हाई नॉट टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. ठीक है, कहाँ जाके ब्रिटेन में मिल्स में जो है वो रॉ कॉटन भेजते हैं, फिर टेक्सटाइल यहाँ पे भेजते हैं, कितना कॉस्टली पड़ता, क्यों ना इंडिया में ही ब्रिटिश मिल्स जो है एस्टेब्लिश की जाए. तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लेसिंग भी है और बून भी है, सॉरी कर्स भी है. ब्लेसिंग कैसे, कि अब इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, कहीं ना कहीं इंडिया में जो लेबर थे, वर्कर्स थे, वीवर्स के, उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा लेकिन वो होंगी ब्रिटिश. तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो फेस जिस फेस में हमारी कंट्री में ब्रिटिश मिल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुई. तो ये सारी ना आपने ईयर वाइज को प्रॉपरली एक टेबल फॉर्म में बनाओ और उस टेबल में आपने जो जो भी मैं आपको डेट और जो जो मिल्स के नेम लिखवा रही हूँ ना, ये आपको MCQs वन मार्क क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. ठीक है, आपका हेडिंग होगा, हेडिंग नोट डाउन, कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, ब्रिटिश फैक्ट्रीज, कमिंग ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्रीज इन इंडिया. साथ में दो हेडिंग लिख लो, मेन रीजन क्या था, एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट होता था, इंडिया से शिप यूरोप जाता था, यूरोप से फिर वापस आता था, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया, व्हाई नॉट टू सेटअप फैक्ट्रीज इन इंडिया, क्यों ना फैक्ट्रीज यहीं पे सेटअप की जाए, यहीं से रॉ कॉटन हम फैक्ट्री में सप्लाई किया जाए, यहीं पे वीवर्स कम रेट पे उनको एम्प्लॉय किया जाए, लेबर कम दी जाए और अल्टीमेटली यहीं पे फिनिश गुड्स तैयार करके यहीं पे मार्केट में बेची जाए. तो इस तरह से हमारी कंट्री में फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ. सेकेंड थिंग, सिंकिंग ऑफ शिप्स बाय अदर कंट्रीज, जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी लाइक फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, स्पैनिश, क्योंकि उनके साथ भी इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था, तो उनके ऊपर अटैक का भी डर था, क्योंकि इंडिया में तो उसको रोक सकते हैं लेकिन इंडिया से बाहर ओवरसीज नहीं रोक सकते. ठीक है, सिंकिंग ऑफ शिप्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो दिस वाज द रीजन व्हाई एट दैट टाइम मेनी फैक्ट्रीज सेट अप इन इंडिया. अब आपने बच्चे सबसे पहले बताना है, फर्स्ट कॉटन मिल हमारी कंट्री में, सबसे पहले कॉटन मिल बॉम्बे, फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन बॉम्बे 1854, फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन बॉम्बे इन 1854.
और जब ब्रिटिशर्स को लगा कि एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि देखते हैं कि यहाँ पे मिल जो है या इंडस्ट्री सेटअप होती है प्रॉपरली या नहीं, तो रियली एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल रहा। इसके बाद ईयर आफ्टर ईयर दे सेटअप मैनी फैक्ट्रीज। तो आप लिखो नेक्स्ट, फोर मिल्स वर सेटअप इन 1862। फोर मिल्स कंसेक्टिव फोर कॉटन मिल्स वर सेटअप इन 1862 इन बॉम्बे। पहली याद रखनी हमेशा, फर्स्ट मेन याद रखो, बाकी तो फोर मिल्स का चलो कोई नहीं, फर्स्ट याद रखो। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे इन 1854, देन 1862 फोर मिल्स वर एस्टैब्लिश। देन ये तो था कॉटन, कॉटन के मामले में उसको बहुत अच्छा मतलब उनको रिस्पॉन्स मिला और वर्कर्स भी दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे जूट, बंगाल का सबसे बेस्ट जो है वो जूट माना जाता है, तो उसको भी उन्होंने कैप्चर किया बंगाल की मार्केट को कैप्चर करने के लिए। फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल 1855। बॉम्बे का याद करो 54, इसका याद करो 1855। फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल 1855। देन इसके बाद कानपुर में एक मिल एस्टेब्लिश की गई, उसको ये भी ब्रिटिश मिल थी, एल्गिन मिल, एल्गिन के नेम पे रखा गया था इसको, एल्गिन मिल इन कानपुर, एल्गिन मिल इन कानपुर। एल्गिन नेम था ऑफिशियल, उनके नेम पे रखी गई थी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, एल्गिन मिल इन कानपुर 1860। हाँ कॉटन मिल जब भी आती है ना तो मिल हमेशा कॉटन याद रखो, क्योंकि मिल जो होती है उसमें क्या बनता है, कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से यान, ठीक है। देन फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में फर्स्ट मिल जो है वो कब बनी, 1861। फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद 1861। फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे, पूरे इंडिया की फर्स्ट बॉम्बे याद रखना, ये थी अहमदाबाद में फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद। ईयर देखो तो ईयर चेंज है ना, अगर पूरे इंडिया में आएगा तो फर्स्ट मिल आएगी बॉम्बे, जब भी आएगा आंसर आपको बॉम्बे ही लिखना है, अगर अहमदाबाद में आएगा तो फर्स्ट कॉटन मिल याद रखना 1861। इसके बाद एक और मिल खुली मद्रास साउथ इंडिया, उसको भी कवर किया गया। हां जी बच्चे, एल्गिन मिल इन कानपुर 1860, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास। मद्रास में साउथ इंडिया में कोई भी मिल नहीं थी तो उस एरिया को भी कवर किया गया 1874, ठीक है। तो ये ईयर्स आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि वन मार्क और एमसीक्यूज के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज लर्न दीज ईयर्स। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे 1854, ठीक है। देन फोर मिल्स वर एस्टैब्लिश 1862। ये तो इतना वो नहीं है, जस्ट फिगर मैंने वैसे लिखवाई है आपको, जस्ट ये बताने के लिए कि ईयर आफ्टर ईयर दे स्टार्टेड ओपनिंग ऑफ मिल्स। देन फर्स्ट जूट मिल बंगाल, ये मेन याद रखो 1855, जूट मिल इन बंगाल 1855, क्योंकि जूट को भी उन्होंने कवर किया, कैप्चर किया मार्केट को। देन एल्गिन कानपुर मिल इन 1860, देन कॉटन मिल इन अहमदाबाद 1861, एंड स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन मद्रास 1874। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, कॉटन, एल्गिन मिल कॉटन, ठीक है। तो जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता था ना तो उसमें आता था राइट अ नोट ऑन सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, तो उसमें सपोज अगर आपने जो भी मैंने आपको डाटा लिखवाया ना, सपोज अगर इनमें से मेन बच्चे क्या लिखते हैं, कॉटन या जूट का लिख दिया है ना, लेकिन जब आप एमसीक्यूज के लिए तैयार करते हैं तो आपको ईयर अच्छी तरह से लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब फैक्ट्रीज तो बन गई, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कौन करेगा, क्या सारी की सारी मनी ब्रिटिशर्स ही लगाएंगे। देन एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी देयर ऑफिशियल्स वर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वॉन्टेड टू पूल द सेविंग्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, यानी कि इंडिया में उस टाइम पीरियड के जो मर्चेंट्स या बिजनेसमैन थे ना, उनसे सेविंग जो है वो निकलवाई गई और उनको इस चीज के लिए कन्विंस किया गया कि आपके पास जो सेविंग्स हैं आप इन फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करो।
इन्वेस्ट करोगे तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉट इक्वली व्हाट सम ऑफ द परसेंटेज विल बी गिवन. और उस टाइम पीरियड में इंडिया के बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो भी मनी या जो भी फैक्ट्री है उसमें कुछ परसेंट ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट को देते हो और गवर्नमेंट उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा शेयर मार्केट. शेयर मार्केट क्या होती है, आप खुद इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते, आप रिस्क नहीं लेते, आप सिर्फ शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो. अल्टीमेटली बाकी सारा काम जो है वो कंपनी के ऑफिशियल्स या इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं वो करते हैं. कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है ना वो आपका शेयर मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज कर देती है. सपोज आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपीज का, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपका शेयर प्राइस क्या हो जाएगा 200. आपको घर बैठे बिठाए आपका शेयर का रेट क्या हो गया, बढ़ गया. इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की. उस टाइम पीरियड में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को कन्विंस करने के लिए, उनकी मनी को पूल करने के लिए, सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इस तरह से जो है वो उनको सेविंग के लिए कन्विंस किया. एंड मैनी पीपल मैनी एंटरप्रेन्योर्स वर द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स आल्सो. उस टाइम पीरियड में पारसी सबसे पहली कम्युनिटी, जो सबसे रिच कम्युनिटी और सबसे एडवांस कम्युनिटी मानी गई है ना, वो थी पारसी. पारसी कम्युनिटी एक ना चैप्टर होता था बच्चे 9th में, वो आपका डिलीट हो गया और कई बच्चों की बुक्स में जो पुरानी है ना उसमें वो चैप्टर है क्रिकेट, स्टोरी ऑफ क्रिकेट. इसमें ये मतलब है उस चैप्टर में क्या बताया गया है कि हमारी कंट्री में ना क्रिकेट की जो स्टार्टिंग है वो पारसी कम्युनिटी ने की. दे वर द वेरी मतलब यू कैन से फेथफुल फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. एंड उस टाइम पीरियड में टाइम जो है वो लेयर एक्टिविटीज के लिए पारसी और जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स आपस में क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने जिम खाना क्लब बना. तो जिम खाना क्लब की जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं वहीं से ही है हमारी कंट्री में, है ना. तो मैंने इसलिए आपको बताया कि पारसी कम्युनिटी वॉज वेरी रिच कम्युनिटी एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दीज फैक्ट्रीज. तो हमने उन एंटरप्रेन्योर्स का बताना है कि अल्टीमेटली इन एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा कहाँ से आया. उस टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया कि इंडिया की ट्रेडिंग फॉरेन कंट्रीज के साथ या तो कॉटन के साथ होती थी या सिल्क या एक और कमोडिटी थी ओपियम. बच्चे ओपियम एक प्लांट होता है, इसको मेडिसिन या ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता है. और आपको पता है इसकी सबसे ज्यादा डिमांड कहां पे होती थी, चाइना. और ओपियम की कल्टीवेशन जो है ना बच्चे इंडिया में बहुत ज्यादा होती है. बेस्ट क्वालिटी का ओपियम जो है, इवन ओपियम की बात करो इंडिगो. इंडिगो क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसको डाई के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली ब्लू कलर. इवन हमारी कंट्री से उस टाइम पर टी की डिमांड बहुत ज्यादा थी. असम प्लांटेशन, असम की बहुत सी प्लांटेशन, नीलगिरी हिल्स की टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन जो थी वो ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट की जाती थी. तो अब हमने इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के नाम याद रखने हैं और इन्होंने मनी कहाँ से अर्न की और इंडिया में इन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर. जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स एंड देयर नेम ऑफ इंडस्ट्री का नेम तो नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री का नेम तो है ही नहीं क्योंकि थी वो ब्रिटिश, ठीक है. लेकिन कुछ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमने बताना. सबसे पहले नंबर वन, द्वारका नाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल. द्वारका नाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल. हाँ जी ओके बेटा, द्वारका नाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल He set up 6 joint stock companies. Joint stock का मतलब क्या होता है? Joint पैसा लगाना, invest करना. यानी कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर 6 companies जो हैं वो start की, invest किया द्वारका नाथ टैगोर from Bengal. Year, particular year, कौन कौन से year इसमें cover करने हैं आपने? 1830 to 1840. 1830 to 1840. यानी कि उस टाइम पर में मिल्स नहीं थी, कंपनीज थी जो ट्रेडिंग का काम करती थी. मिल सिस्टम तो हमारी कंट्री में 1854 में स्टार्ट हुआ है. ये कंपनीज थी जिन कंपनीज में द्वारका नाथ टैगोर ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हम कहते हैं कि मनी अर्न की थी, प्रॉफिट अर्न किया. 1830 to 1840 एंड ही अर्न प्रॉफिट फ्रॉम चाइना ट्रेड. आप ये कहोगे कि मैम हमारी कंट्री में तो 1854 में इंडस्ट्री आई है. मैं मिल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कंपनी. कंपनी का मतलब क्या होता है? जस्ट ट्रेडिंग के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ डील करने.
ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, उस टाइम पर में अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करती थी। तो द्वारकानाथ टैगोर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने कहां से अर्न किया था? चाइना ट्रेड। चाइना ट्रेड ओपियम, यानी कि ओपियम सप्लाई की जाती थी। यहां से इंडिया से शिप जो थे वो चाइना भेजे जाते थे और हर शिप की कॉस्ट, यानी कि भेजने की कॉस्ट जो थी, वो द्वारकानाथ टैगोर का जो प्रॉफिट था दैट वाज वेरी हाई। तो ही अर्नड, हां जी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, पोर्ट सिटीज, साउथ ईस्ट एशिया पोस्ट, मतलब ये होता है कि नियर बाय पोर्ट एरिया से फिर लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हैं, तो हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस है सऊदी अरेबियन कंट्रीज, तो मध्य प्रदेश से सऊदी अरेबियन कंट्रीज में कैसे, मध्य प्रदेश से पहले कहाँ जाएंगे, बॉम्बे या गुजरात, कोस्टल एरिया सप्लाई करेंगे, वहां से जाएंगे अरेबियन कंट्रीज, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट याद रखो दिनशा पैटी, ये पारसी थे बेटा, दिनशा पैटी ये पारसी कम्युनिटी, याद रखो पारसी, द्वारका नाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल, दिनशा, सॉरी डी आई एन एस एच ए वाई डब्ल्यू, सॉरी डी आई एन एस एच ए डब्ल्यू, दिनशा पैटी, पी ई टी आई टी, पारसी फ्रॉम बॉम्बे, अगेन आई एम रिपीटिंग स्पेलिंग, डी आई एन एस एच ए डब्ल्यू पी ई टी आई टी, दिनशा पैटी, पारसी फ्रॉम बॉम्बे। He also invested from China trade and earned huge profits. He also invested in China trade and earned huge profits. उन्हीं profits के कारण जब इनके पास money थी, इन्होंने Britishers के साथ मिलकर India में entrepreneurs या factories जो हैं वो start किए. Then third, J.N. Tata. ये नाम तो आप सब बच्चों को पता ही है ना, टाटा इंडस्ट्रीज। तो आप ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में कितना ज्यादा इन्वेस्ट इन्होंने किया है कि आज भी इनका नाम टाटा विलास बाडियाज, इनके जो ग्रुप हैं, ठीक है, आज भी वो कितने रिच हैं। देन जे एन टाटा, इनका पूरा नाम था जमशेद जी नुसरनवंजी टाटा, वैसे इनको जे एन टाटा कहते हैं, ठीक है, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले आयरन एंड स्टील जो है इंडस्ट्री की शुरुआत इन्होंने की थी 1912। सबसे पहले याद रखो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जे एन टाटा। इन 1912 ही सेट अप फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट इन जमशेदपुर, आयरन एंड स्टील प्लांट इन जमशेदपुर विद कोलेबोरेशन 1912 बेटा 1912 विद द कोलेबोरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, जे एन टाटा सेट अप फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स और प्लांट इन जमशेदपुर इन 1912, ठीक है। देन नेक्स्ट सेठ हुकमचंद, ये तो स्कूल का नाम सबको याद होगा, हमारे स्कूल जलंधर का स्कूल है ना, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन, सेठ हुकमचंद एच यू के यू एम, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन, ही सेट अप फर्स्ट इंडियन, अब इसको अंडरलाइन करो इंडियन, ही सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल, पहली जो जूट मिल थी ना बट बेटा वो ब्रिटिशर्स थी, वो मैंने कौन सा ईयर करवाया आपको, फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल सेटअप इन 1855, वो थी ब्रिटिशर्स। अगर आपको क्वेश्चन आता ना हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल, तो नाम क्या आएगा, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन इन कैलकटा इन 1917, कैलकटा इन 1917, अगेन आई एम रिपीटिंग, इम्पॉर्टेंट एंटरप्रीनियर्स ऑफ इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल, यानी कि हमारी कंट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स थे। आपको याद है जब मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया करवाया, स्वदेशी मूवमेंट करवाया, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पीरियड में बहुत से बिजनेसमैन मर्चेंट जो थे दे प्रेफर टू पार्टिसिपेट इन विच मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरन कंट्रीज।
और उस टाइम फ्रेम में उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया, बिकॉज दे वॉन्टेड दैट इंडियन गुड्स शुड बी प्रमोटेड इन द कंट्री. और इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स की फैमिलीज आगे जो थी, जिन्होंने आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया था, ठीक है, दिनशा पेटे, देन जे एन टाटा, सेठ हुकमचंद एंड जी डी बिरला. एक और नेम, जी डी बिरला, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फेमस एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मैन बिफोर कॉलोनियल रूल. ही ऑल्सो इन्वेस्टेड इन मैनी कंट्रीज. ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे जब ये आता था ना, तो आता था राइट अ नोट ऑन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, तो उसमें सारा पूरा डिटेल में बताना पड़ता था. बट नाउ यू हैव टू रिमेम्बर द नेम एंड उनकी जो भी अचीवमेंट है वो आप बताओगे. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स. एक मिनट बच्चे, कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इन्वेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज. बच्चे कंपनीज ना, कंपनीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें सारी जो मनी इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, प्राइवेट होती है, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट होती है. जॉइंट स्टॉक मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट, कुछ मनी जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, कुछ प्राइवेट पीपल, ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स से, बट यू नो दे वर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन. नो डाउट एट दैट टाइम दे इन्वेस्टेड अ लॉट, उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, बट दे वर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन बिकॉज एट दैट टाइम रूल ऑफ ब्रिटिश और कॉलोनियल पावर वॉज इन आर कंट्री. एंड एट दैट टाइम ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स वॉज देयर. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है जितने भी बिजनेस की डीलिंग्स होती है ना, उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, नो इंडियन मेंबर वॉज देयर. So that was the biggest problem in front of these businessmen. They only invested. What important decisions were taken by these British agencies? अब हम main आपने बच्चे तीन याद रखनी है British agencies. क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया at that time these entrepreneurs, no doubt they were very rich. They invested a lot, but they were not free to take any decision because at that time they had to follow the rules and regulations framed by British government. और ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस टाइम पीरियड में जो मेन एजेंसीज इंडिया में जिनके ऑफिसेज थे वो डायरेक्टली काम कहाँ से करती थी, इंग्लैंड से. और यहाँ पे वो सारा यहाँ पे बिजनेस डीलिंग देखती थी कि यहाँ से कितना परसेंट इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना प्रॉफिट है, कितना शेयर किया जाएगा. अर्पित से प्रॉपरली इसके लिए क्या होता है बच्चे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया ना गिल्ड सिस्टम, जो एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स होती थी, तो ऐसे ही हमारी कंट्री में जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, जिसमें ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, नो इंडियन वॉज देयर. सो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम. मैनी इंडियन दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और उन्होंने अपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, याद है आपको कौन सी बनाई थी? मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिखवाया था, देन दे वर नॉट गिवन परमिटेड टू एंटर इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देन दे फॉर्म देयर टू ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड. हाँ, FICCI, फिक्की एंड ICCI, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो हमने इनके बारे में पढ़ना है कि वाई, बिकॉज एट दैट टाइम यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर देयर. राइट डाउन थ्री नेम्स आपने लिखने हैं, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज. ड्यू टू दीज एजेंसीज इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन. नंबर वन, ये बेटा कंपनी के नेम है एंड्रयू यूल, ये पर्सन का नेम नहीं है, कंपनी का नेम है, एजेंसी का नेम है एंड्रयू यूल, ANDREW, एंड्रयू यूल, ANDREW, एंड्रयू यूल. यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी विच नेवर प्रमोटेड और परमिटेड इंडियन businessman to take any important decisions. Clear? They never permitted Indian businessman to take any important decisions. European managing agencies, जिन्होंने कभी भी इंडियन members को business का part नहीं बनाया, वो सिर्फ money लगाते थे, invest करते थे, बाकी सारा ये managing agencies जो है वो
वो मैनेज करती थी। नेक्स्ट इज जार्डिन एंड स्किनर। जार्डिन एंड स्किनर, जे ए आर टी आई एन ई, जार्डिन एंड स्किनर, एस ए आई डबल एन ई आर। नेक्स्ट इज बर्ड एंड हाइगलर। बर्ड यहां पे लिख देती हूँ, बर्ड एंड हाइगलर्स, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, बर्ड एंड हाइगलर, बी आई आर डी बर्ड, एच ई आई जी एल ई आर एस, बर्ड एंड हाइगलर। ठीक है, ये थी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जिनके कारण इंडियन बिजनेसमैन दे वर फीलिंग देमसेल्फ वेरी इंफीरियर, कि मनी लगा रहे थे बट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है उनके हाथ में नहीं था, वो जस्ट मनी लगाने के लिए इनको कन्विंस किया गया था, पर वो कुछ कह नहीं सकते थे बिकॉज एट दैट टाइम कॉलोनियल रूल वॉज इन आर कंट्री। अब नेक्स्ट पार्ट, वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज तो लग गई, अब वर्कर्स कहाँ पे आएंगे? ऑब्वियसली इंडिया से ही आएंगे ना, चीप लेबर। चीप लेबर का मतलब होता है, अब आपको पता है आज के टाइम पर हमें एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आप पढ़ते हो, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लगाने का सबसे ज्यादा मोटिव किनको होता है? ब्रिटिशर्स, सॉरी फॉरेन कंट्रीज को। वो कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर कंपनीज लगाती हैं ताकि वहां से चीप रॉ मटेरियल मिले और चीप क्या मिले, लेबर, ताकि वो अपना काम निकलवाएं और उसके बाद अपने टैक्स लगाकर इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट पे बेचें, ब्रांडेड गुड्स जिसको हम कहा जाता है ना, एमएनसीज। तो ऐसा ही उस टाइम पीरियड में इंडिया में हुआ। ठीक है, लाइफ ऑफ वर्कर्स, अब हमने पढ़ना है लाइफ ऑफ वर्कर्स। एनी डाउट, व्हाटएवर आई हैव कवर्ड, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स,